फ्यूचर फोकस लोगों से मेरा मतलब ये है कि ऐसे लोग हैं कि जो भविष्य के बारे में विचार करते हैं, ये जानवरों जैसी जिंदगी नहीं जीते। ये समझते हैं कि जानवर और इंसान के बीच में ऊपर वाले ने एक फर्क रखा हुआ है कि जानवर वर्तमान में जीता है और इंसान वर्तमान में तो जीता ही जीता है, लेकिन वर्तमान जिंदगी के साथ में वो अपने भविष्य में आने वाले जीवन की भी तैयारियां करता रहता है। यदि आपने किसी कुत्ते के सामने 100 रोटी डाल दी और उसने 15-20 रोटियां खा ली, तो कुत्ते को ये विचार कभी नहीं आएगा कि बाकी बची 80 रोटियों को मैं कहीं जाकर के रख दूं इत्मीनान से, ताकि शाम को मुझे दोबारा रोटी ढूंढने के लिए निकलना ना पड़े, या तो भविष्य में यदि मेरी रोटी मिलना मेरे को बंद हो जाती है तो ये बचाई हुई रोटियां मेरे काम में आएगी। ये विचार कुत्ते को नहीं आएगा। कुत्ता क्या करेगा, 20 रोटी खा करके बाकी की वेस्ट कर देगा और शाम को दोबारा उसको भटकना पड़ेगा और जब रोटी नहीं मिलेगी तो भूखा सोना पड़ेगा। दैट्स द पॉइंट। और इंसान क्या करता है, इंसान की पहचान ये है कि वो वर्तमान में काम करता है, वर्तमान में पैसे कमाता है, वर्तमान में अपने जीवन को जीता है, लेकिन साथ ही साथ भविष्य के बारे में सोचता है कि एक समय ऐसा आएगा कि मेरी सांसें तो चालू होगी लेकिन मेरी इनकम बंद हो जाएगी, तो इनकम बंद होने के बावजूद भी चालू सांसों को चालू रखने के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे। ये इंसान सोचता है। वो सोचता है कि भविष्य में जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको पढ़ाने लिखाने के लिए इस महंगाई के जमाने में मेरे को इतने पैसे चाहिए होंगे। वो सोचता है कि भारतीय समाज में बच्चों की शादी में ज्यादा पैसा लगता है। वो सोचता है कि आज के जमाने के अंदर अपनी वृद्धावस्था को लेकर के अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होने के बारे में सोचना ये बेवकूफी भरा डिसीजन है, ये खुदकुशी जैसा काम है, तो मुझे अपने बुढ़ापे की भी व्यवस्था करनी होगी। इसे अलग तरीके से मत लीजिएगा। लेकिन जो इंसान अपने भविष्य के बारे में विचार नहीं करता, उसमें और उस जानवर में कोई भी अंतर बसता नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो फ्यूचर फोकस लोग है, इनका बड़ा ही सक्सेसफुल फॉर्मूला है। इनका फॉर्मूला रहता है इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। कमाने के बाद में सबसे पहले पैसे बचा लो और बचाने के बाद में जो बचा है उसे खर्चे करेंगे। ये फॉर्मूला समझने के लिए, सीखने के लिए हमें कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के या तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे और बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों को सुनने की जरूरत नहीं है। यदि हम अपने दादाजी और परदादाजी को देखेंगे, हमारे पिताजी को भी देखेंगे, तो हम महसूस करेंगे कि बहुत कम इनकम में भी उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शादियां भी करी। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी कि उस जमाने में वो 100 रुपए की अगर नौकरी करते थे, उनके महीने की तनख्वाह 100 रुपए हुआ करती थी, तो घरवालों को पता ही नहीं होता था कि पिताजी की तनख्वाह 100 रुपए है। घरवालों को पता रहता था कि पिताजी की इनकम 80 रुपया है, क्योंकि पिताजी 100 रुपए में से सबसे पहले 20 रुपए सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट जहां पर करना होता था वहां पर कर देते थे और घरवालों को बताते थे कि 80 रुपया मेरी तनख्वाह है, 80 रुपए में से जितना खर्चा करना है इसी में घर चलाना है, गुलाब जामुन बनाना है इसी में बनाओ, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है इसी में करना है। पर से बोलते भी थे, अपनी पत्नी को बोलते थे कि 80 रुपए में से अगर 2-4 रुपए बचा सकती हो तो बचाने की कोशिश जरूर करना ताकि हमें काम में आए। 20 रुपए तो भाई साहब पहले से बचा करके बैठे थे। इस व्यवस्था के चलते हमारे बुजुर्गों को कभी भी अपने बच्चों की परवरिश में, उनको पढ़ाने लिखाने में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। माय डियर फ्रेंड्स, आज के जमाने में आप देखेंगे हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, 1-1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन इनकम से ज्यादा तेजी से अपनी जीवन शैली को इतना आगे बढ़ा करके बैठे हैं कि 1-1.5 लाख रुपया महीने का कमाने के बावजूद भी उनको क्रेडिट कार्ड घिसना पड़ता है, उनको बैंकों से लोन लेना पड़ता है। रीजन, उनका फॉर्मूला है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स, और वो जो फॉर्मूला था फ्यूचर फोकस लोगों का, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। जो तुम्हें 20% बचाना चाहिए हर महीने अपनी इनकम में से, वो पहले निकाल लो और बाकी का 80% अपने परिवार को दो कि जो भी करना है, मौज मस्ती, पिज्जा खानी है, तुम्हें कहीं भी जाना है घूमने के लिए, कपड़े खरीदने हैं, आईफोन खरीदना है, ये 20% बचाने के बाद में जो 80% बचेंगे उसी में जिंदगी काटनी भी है और उसी में मौज मस्ती भी करनी है। जो इस फॉर्मूला के ऊपर चलते हैं उनको जिंदगी में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं आती, उनका सिविल रिकॉर्ड कभी खराब नहीं होता, उनको क्रेडिट कार्ड नहीं घिसना पड़ता, उनको लोन नहीं लेने पड़ते और जनरली जो है वो एक मस्ती भरी जिंदगी आनंद करते करते जी सकते हैं।